नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ल्यू 52 टैबलेट के बारे में, जो कि हिमालया कंपनी बनाती है। और दोस्तों ये एक लीवर टैबलेट के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है, जहां तक इसका नाम भी ल्यू 52 लीवर से जोड़ा गया है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, इसके उपयोग देखेंगे, कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है, लेने का सही तरीका क्या है इस टैबलेट को, और दोस्तों बात करेंगे कि क्या कोई साइड इफेक्ट आते हैं। हम बात करेंगे कि सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है इस टैबलेट का उपयोग करते समय। दोस्तों माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं ल्यू 52 टैबलेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ल्यू 52 टैबलेट है, इसको हिमालया कंपनी बनाती है। और दोस्तों अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपको मार्केट में 95 रुपए की एक बोतल मिल जाएगी पूरी, जिसमें 100 टैबलेट होती हैं। दोस्तों एमआरपी में भी ये काफी किफायती है, मतलब इतनी बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी के बारे में, तो इसका सिरप भी अवेलेबल है ल्यू 52 का, और टैबलेट आती ही आती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ल्यू 52 डीएस भी आती है, सिरप भी आती है और टैबलेट भी आती है। तो दोस्तों इसमें जो क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, कंपोजिशन की, वो डबल होती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ल्यू 52 टैबलेट है, ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं इसको बनाने के लिए, तो दोस्तों इसमें हिमसिरा 65 मिलीग्राम पड़ा हुआ है, कसानी 65 मिलीग्राम पड़ा हुआ है, और दोस्तों इसमें मंडूर भस्म है 33 मिलीग्राम, और दोस्तों इसमें काका मसानी है 32 मिलीग्राम, और दोस्तों इसमें अर्जुना डाला गया है 32 मिलीग्राम, और दोस्तों इसमें कस मादरा 16 मिलीग्राम डाला गया है। दोस्तों इसमें जाभुका इसमें पड़ा हुआ है 16 मिलीग्राम, और दोस्तों इसमें विरंजा सिफा है 16 मिलीग्राम। ये इतने चीजें ल्यू 52 टैबलेट को बनाने के लिए इसमें डाली गई हैं। दोस्तों वीडियो की आगे की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो दोस्तों पहला जो है उपयोग इसका, पाचन क्रिया में सुधार। कहने का मतलब है अगर आपकी पाचन क्रिया बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, ठीक से भूख नहीं लग रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, पाचन क्रिया अगर बिगड़ी हुई है तो हो सकता है कि आपके लीवर में कोई ना कोई समस्या हो। दोस्तों अगर आपके भूख नहीं लग रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, तो उस केस में आप ल्यू 52 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया। दोस्तों इसका दूसरा यूज है वो है लीवर में सुधार। दोस्तों बहुत लोगों को फैटी लीवर की समस्या होती है, उनका लीवर दुरुस्त नहीं होता है, उस केस में आप ल्यू 52 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं और ये काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों तीसरा यूज है वो है हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस दोस्तों जब लीवर में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण ये हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर लीवर में संक्रमण है, हेपेटाइटिस की समस्या है, तो उस केस में आप ल्यू 52 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों पीलिया के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीलिया में क्या होता है कि जो बिलीरुबिन की मात्रा होती है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप ल्यू 52 टैबलेट का उपयोग करते हैं तो आपका जो बिलीरुबिन की मात्रा है ब्लड में वो कम होगी और पीलिया भी ठीक हो जाती है। दोस्तों जो अगला यूज है वो है लीवर डिटॉक्स। कहने का मतलब है दोस्तों जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं या फिर बीड़ी सिगरेट का बहुत लोग उपयोग करते हैं, तो उस केस में हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ चले जाते हैं दोस्तों, जो कि हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। उस केस में आप अगर ल्यू 52 टैबलेट का उपयोग करते हैं तो दोस्तों जो विषैले पदार्थ हैं उनको ये बाहर निकालने में मदद करती है दोस्तों, तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया ये काम करती है। दोस्तों एनीमिया के उपचार में, दोस्तों बहुत लोगों को एनीमिया, खून की कमी की समस्या होती है, उस केस में अगर आप इस टैबलेट का उपयोग करते हैं तो आपकी भूख भी बढ़ेगी, भूख बढ़ने के साथ साथ में आप खाना ज्यादा खाएंगे, जिसके कारण आपका जो खून है वो भी बढ़ेगा और दोस्तों आपका जो हेल्दी आप हो जाएंगे, मतलब जो दुबले पतले की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं ठीक होगी। दोस्तों वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों जो 5 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं,
उनमें रोज एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों जो जवान पुरुष हैं, एडल्ट लोग हैं, 18 साल से 19 साल के ऊपर हैं, वो लोग इस टेबलेट को शुरुआत में सुबह शाम एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन बाद में एक दिन में एक गोली लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। या फिर आपका डॉक्टर जिस हिसाब से आपको बताता है उस हिसाब से आप LU52 टैबलेट का उपयोग करें दोस्तों। इस टैबलेट को आप गर्म पानी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा इसके लाभ देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट। वैसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप ज्यादा मात्रा में LU52 टैबलेट का उपयोग करते हैं तो आपको जैसे कि उल्टी लगना या फिर डायरिया हो जाना ऐसा महसूस हो सकता है, तो ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग ना करें। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी दवाई का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें सावधानियां क्या क्या रखनी है, तो दोस्तों अगर आपको इसमें जो जो चीजें डाली गई हैं उनसे किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें दोस्तों। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट प्रॉब्लम, दिल के संबंधित बीमारी, तो उस केस में अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही LU52 टैबलेट का उपयोग करें दोस्तों। वीडियो तो हमारा कंप्लीट हो गया। आशा आपसे यही करते हैं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।